साहबा ये बताएं कि शाही किले में रोजाना कितने लोग आते हैं? आम रूटीन में इट्स अबाउट 6,000 प्लस, बट ऑन ओकेजन ऑफ ईद, ईस्टर्स और ऑल टुगेदर इट विल कम 20,000 प्लस, 20-30,000, समटाइम्स इट्स क्रॉस 60,000 प्लस पीपल आर कमिंग। और बहुत इस कदर रश होता है कि हमें एक से दूसरे डिस्टेंस पे सिर्फ बंदा ही दिख रहा होता है, जगह ही नहीं होती है। अच्छा। और दैट टाइम वी प्लान आवर सेल्फ बिफोर ईद, कोई भी फंक्शन हो हम प्लान आउट करते हैं कि हमने किस तरह एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने 75 कैमराज प्लेस किए हैं लोगों को मॉनिटर करने के लिए, जगहों को मॉनिटर करने के लिए। तो हमारा एक मास्टर रूम बना हुआ है किले के अंदर ही, मुसम्मम दरवाजे के अंदर हमने वो मास्टर रूम बनाया हुआ है, वहाँ से स्टाफ मॉनिटर करता है, गार्ड्स की ड्यूटी होती है वो मॉनिटर करवाते हैं। तो इसी तरह हम मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं लोगों को भी फैसिलिटेट करें, खुद भी परेशानी ना हो। टूरिस्ट किस तरह का होता है और ज़्यादा लाहौर से होते हैं या लाहौर से बाहर से होते हैं लोग? टूरिस्ट हर किस्म का है, यहाँ पे लिटरेट पर्सन भी हैं, इलिटरेट भी आते हैं, नेव भी आते हैं, ग्रूम्ड भी आते हैं, लिबरल, इंटरनेशनल, नेशनल, हर लेवल का टूरिस्ट आता है। हर एक को देखने का, चीज़ों को नज़रिया बहुत डिफरेंट है। लर्नर्स भी आते हैं, गाइड्स भी, और डिफरेंट आते हैं ऐसे लोग जो इंजॉय करने भी आते हैं, कुछ जिनको हिस्ट्री से मोहब्बत होती है वो भी आते हैं, और जो ऐसे ही चलो जी आज दिल कर रहा था बाहर घूम के आ जाए तो वो भी आ जाते हैं। अच्छा, हम शाही किले के मेन दरवाज़ा जो है उसके पास ही खड़े हैं, तो स्टार्ट यहाँ से होता है शाही किला। थोड़ा सा हमें तारुफ शाही किले का करवाए ना, ये क्या है पीछे हमारे? अच्छा, ये हमारे जो पीछे है ये है शाह बुर्ज के, ये गेट जो है ये इसकी हालत बड़ी खस्ता हाल की से वॉल सिटी लॉ अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद पिक्चर वॉल, हमारे टेक्निकल पार्टनर है आगा खान जो है कल्चरल ट्रस्ट बोर्ड, उनके तहत उनके साथ मिलकर हमने ये सब चीज़ें कंजर्व की हैं। शाह बुर्ज में आपको डूम्स वगैरह भी दिख रहे होंगे, फ्रेस्को वर्क भी इंटैक्ट है। ये एशिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है जो इस वक्त लाहौर में है, जहां आप खड़े हैं जिसके सामने, एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग पिक्चर वॉल है। इसके अंदर आपको डिफरेंट कल्चर, उस वक्त का बादशाह था उसे नेचर से बहुत प्यार था, फूलों से बहुत प्यार था, जानवरों से बहुत प्यार था, तो आप इसके सीक्वेंस के अंदर हाथी, घोड़े, इस तरह की मोर, परिंदे, इन सब की पिक्चर्स देखेंगे, और फूलों की बहुत ज़्यादा इसके अंदर पिक्चर्स देखेंगे, प्लस इसके सीक्वेंस बहुत खूबसूरत हैं। तो ये लोग काफ़ी दूर से, किसी को भी इतना मालूम नहीं है कि एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग पिक्चर वॉल लाहौर फोर्ट में मौजूद है, जो राइट है। लोगों का इंटरेस्ट इस लेवल का नहीं है के सकाफती विरसे को एडमायर कर सकें, तो मोस्टली प्लेस आर बीइंग इग्नोर्ड बाय विजिटर्स एंड टूरिस्ट, बट वी लाइक टू विद योर फोरम के आएँ, प्लीज़ इस चीज़ को देखें, इस पे हमने आपके लिए ही इस चीज़ को रिहेबिलिटेड और रिस्टोर किया है, ताकि आप आएँ उस चीज़ को मेसमराइज हों, इसे इंजॉय कर सकें। ये सबसे बड़ी वॉल है, इसके यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट होती है और एंड इसका बिल्कुल बाउंड्री वॉल की एंड तक चल रहा है। सो ये सारा सिनेरियो, लेकिन लोगों में शऊर आना थोड़ा सा डिफरेंट टास्क होता है। कोशिश हमारी होती है कि लोगों को हम ये बता सकें कि किस तरीके से बिहेव करना है मोनूमेंट में, लेकिन ये कोशिश हमें जारी रखनी है, क्योंकि ये टूरिस्ट भी हमारे हैं और ये जगह भी हमारी है, तो हमें चाहिए कि दोनों में बैलेंस क्रिएट रखें।